सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पतलांडर में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री वीरेंद्र कंवर मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और HRTC के उपनिदेशक एवं पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित सरकार ने गांव, गरीब, किसान की चिंता की है और विद्यार्थियों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुढ़ापे में दवाई तथा आम जनता की सुनवाई को अपना ध्येय बनाया है। प्रदेश सरकार ने भी इसी भावना को पूर्ण रूप से आत्मसत्ता प्रदान की है और जनमंच जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनमंच में प्रस्तुत शिकायतों को पूरी गंभीरता से ले रही है और इसका समयबद्ध निवारण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच के अवसर पर लगभग 102 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश का निपटारा मौके पर ही हो गया। शेष को समयबद्ध निपटारे के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं। लोगों ने जनमंच में पूर्ण विश्वास जताया है और लोकसभा चुनावों में मिले परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूर्व जनमंच के अतिरिक्त समय समय पर फील्ड पर जाकर नियमित तौर पर लोगों की समस्याओं को सुने और उनको हल करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार सभी को पक्का मकान, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, शौचालय, गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इन बिंदुओं को लेकर 2,00,000 परिवारों को चयनित किया गया है, जिनका जीवन स्तर उठाने का काम चल रहा है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला में कहा कि देश में शनिवार को भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। वहीं देश भर में मंत्रियों और विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में अभियान को आगाज किया है। भाजपा विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी ने अधिक से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारा है हमारा। पार्टी के प्रति सभी का विश्वास बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि जो टारगेट सभी को मिला है, उससे अधिक सदस्य इस बार बनाए जाएंगे। हमारे पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक सदस्य बनाने का संकल्प भी लिया है। कपूर ने कहा कि कांग्रेस ने जो किया, उन्होंने उसे भुगता है। भाजपा ने 303 सीटें जीती हैं। ये लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। कपूर ने कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस समय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, उसके बाद चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ कहां आ गया। वर्ष 2014 में जो भाजपा को सीटें मिली थी, उससे ज्यादा सीटें इस बार मिली हैं। देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रति बड़ा है। उन्होंने कहा कि बजट में जो आज तक नहीं हुआ, वो वर्तमान बजट में पेश किया गया है। भाजपा का बजट भविष्य का बजट है, नए भारत का बजट है। समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ अवश्य है। किशन कपूर ने कहा कि जिन लोगों ने नोटा का बटन इस्तेमाल किया था, वो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। उनको क्या लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि नोटा दबाने वाले को अपना वोट किसी न किसी को अवश्य देना चाहिए था। जिन्होंने नोटा दबाया है, इसलिए उनका मानना है कि उन्होंने अपने साथ और अपने क्षेत्र के साथ अन्याय किया है।
छोटी काशी मंडी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। इस बार किसी व्यक्ति पर दुष्कर्म जैसा कोई संगीन आरोप नहीं लगा है, बल्कि होटल में सरेआम वैश्यवृत्ति के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में मंडी पुलिस ने छोटी काशी मंडी को शर्मसार करने वाले इस गोरख धंधे को चला रहे आरोपी होटल मालिक को रंगे हाथों दबोचा है। यही नहीं, पुलिस ने होटल से दो युवतियों को भी बरामद किया है। इस गोरख धंधे में शामिल इन युवतियों में एक दिल्ली की तो दूसरी गुड़गांव की बताई जा रही है। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस को मंडी शहर के साथ लगते एक होटल में वैश्यवृत्ति का गोरख धंधा चलने की गुप्त सूचना मिली, जिस पर संज्ञान लेते हुए मंडी पुलिस ने प्रोविजनल डीएसपी अनिल पटियाल की अगुवाई में टीम का गठन किया और होटल में रेड मारी, जिसमें मौके पर ही बाहरी राज्यों की दो युवतियों सहित होटल मालिक को पुलिस ने मौके पर हिरासत में लिया। मामले की पुष्टि एएसपी मंडी पुनीत रघु ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर चल रहा है, साथ ही इस मामले में किसी बड़े रैकेट के साथ जुड़ने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। बहरहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश हर एंगल से कर रही है।